वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। ये ब्लॉग अभी यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी लग रहा है बहुत खराब से भूख और अब टाइम हो गया आपका अराउंड 1:30। तो नाउ अभी मैं किचन में हूँ। ये रहा तेल हम लोग का गर्म हो रहा है और यहाँ में टमेटो केबेज ओनियन एंड राइस अभी बनाने के लिए जा रहा हूँ फ्राइड राइस। देखते हैं कैसा बनता है। आप लोग वीडियो में बने रहिए। किसी को टोमेटो अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड्स और किसी को अच्छा भी लगता है, बट टमाटो हम प्रीफर करते हैं, हमको अच्छा लगता है टमाटो। इसको ओवर कुक होने नहीं देगा, जस्ट नॉर्मल। नमक थोड़ा ले लेता हूँ। हम लोग का राइस जस्ट प्लेन फ्राइड राइस फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट नहीं देगा। थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा विनेगर, we ate cabbage. फ्राइड राइस में हमको कैबेज अच्छा लगता है फ्रेंड्स। कैबेज को आधा कच्चा ही रहने देगा, वो आधा कच्चा खाने में ठीक लगता है। नाउ हमारा फ्राइड राइस रेडी। देखा ना फ्रेंड्स, इतना जल्दी हो गया। आप लोग भी घर में ट्राई करके देखिए, बहुत जल्दी हो जाता है, उतना टाइम नहीं लगता पकने में। नाउ फ्रेंड्स, ये क्या है आप बताइए। ये है ग्रीन लीफ जो लास्ट नाइट को मैं आपको दिखा रहा था। हम लोग का यहाँ अपना एज यूजुअल लैंग्वेज से लाइव पत्ता बोल के बोला जाता है और यहाँ में हम लोग मार्केट में अवेलेबल है। तो मैं इसका अभी सलाद बनाता हूँ और फ्राइड राइस के साथ में खाने के लिए। फ्राइड राइस विदाउट सलाद अच्छा नहीं लगता है, सलाद होना ज़रूरी है, तो बदन के लिए भी ठीक है और खाने में टेस्ट भी बढ़ाता है वो। ये चॉप हो गया है, अभी आप देख सकते हो ये हो गया हम लोग का टमेटो, ये ओनियन और चिल्ली भी है नीचे में, और ये जो ग्रीन लीव्स अभी मैं दिखा रहा था आपको, और लास्ट वन धनिया मिक्स करते हैं अभी। ये हो गया हम लोग का धनिया, धनिया भी इससे मैं काट देता हूँ। ये हो गया, इसमें अभी थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट का अनुसार, अच्छा से मिक्स कर लेता हूँ अभी। ये हम लोग का हो गया रेडी, इसमें ले लेता हूँ दिस वन।
तीन अंडा लेने से ठीक था, दो ही अंडा लिया उसमें से एक फट गया, इतना ख़राब लग रहा है। अभी ऐसा समय है कि और एक अंडा हम डाल भी नहीं सकता है क्योंकि हमको ख़राब से भूख लग रहा है। अभी जो हो गया सो हो गया, अभी उसी से काम चलाना पड़ेगा। सो गाइस, आप लोग भी हमेशा एक अंडा एक्स्ट्रा लीजिएगा, क्यों एक का गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, जैसा आज मेरा साथ हो गया। हेलो गाइस, हो गया है हम लोग का फ्राइड राइस तैयार, ये देख सकते हो आप, अभी हम लोग खा सकते हैं। और नेक्स्ट ये सलाद, और ये दो अंडा जो फट गया था वो भी चल गया है, मतलब उतना ख़राब नहीं हुआ, तो दोनों ही खा सकते हैं। ओके गाइस, मैं अभी लंच करता हूँ, फ्राइड राइस तो आप देखा ही है, उसके बाद में सलाद और दो अंडा, जस्ट नॉर्मल लंच हो जाएगा। ये मेरा प्लेट रेडी हो गया, यहाँ पे अंडा और यहाँ में ये सलाद, और कल रात का चिकन बचा हुआ था तो उसमें से एक चिकन ले लिया, और ये मेरा खाना। ओके गाइस, अभी मैं टेस्ट करता हूँ मेरा सलाद कैसा हुआ है। मज़ा, मज़ा वाला, हमको स्पून से खाने के लिए अच्छा नहीं लगता, हाथ ही ठीक लगता है। बहुत टेस्टी है, एक हाथ से फोन पकड़ के एक हाथ से खाना खा रहा हूँ, थोड़ा तकलीफ हो रहा है फ्रेंड्स, मैं खाना खा लेता हूँ। वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स, अभी हो गया है आपका इवनिंग और मैं जा रहा हूँ अभी किचन, और आपको एक बात भी शेयर करना था फ्रेंड्स, तो हो गया अभी 1 आवर जैसा, उसमें हमसम गेमिंग उनके ब्रदर है तो वो कमेंट किया था, जो कमेंट किया था मतलब अच्छा लगा है, वो ऐसा होना चाहिए, डेट मीन्स ये है कि वो हम लोग का वीडियो देख रहे हैं, तो इसके लिए भाई को भी मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। भाई आप वैसा ही बताते रहो, आपको कुछ गलती दिखाई दिया तभी आपने बोला है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, और नेक्स्ट भी अगर कुछ होता है तो वो भी आप बताओ, और आप मेरा वीडियो को आगे तक देखते रहिए, उसके लिए मैं बहुत मन से थैंक्स बोलता हूँ आपको। एंड फ्रेंड्स, अभी मैं जा रहा हूँ वापस किचन, अभी हो गया है इवनिंग, एंड नाउ मैं जा रहा हूँ अभी बनाने के लिए पनीर, पनीर लाइट ग्रेवी। ये मेरा टमाटो रेडी हो गया है, ये ऑनियन, जिंजर, नो गार्लिक सॉरी, एंड लास्ट वन इज चिल्ली। पनीर जो थोड़ा बड़ा साइज का होने से ठीक था, डिब्बा में तो बड़ा साइज दिखा रहा था, बट डिब्बा खोला तो छोटा छोटा साइज निकला है फ्रेंड्स, मतलब थोड़ा खराब लगा है मन में भी, डिब्बा में तो दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा बड़ा साइज दिखा रहा था, मतलब उसको पूछा भी था थोड़ा बड़ा साइज है क्या, बोला हाँ भैया बड़ा साइज है बोला, बट अभी खोल के देखा तो छोटा छोटा निकला है, उसको भी अभी फोन करके बोला है तुम क्या बोला था क्या निकल गया, और वो बोला हमको नेक्स्ट टाइम भैया अच्छा से देख के देगा, बट इस बार जो हो गया सो हो गया, ओके बोला। तो ओके फ्रेंड्स, अभी रेडी करते हैं कुकिंग के लिए, और आप लोग को ये रेसिपी मैं शेयर करता हूँ। और एक बात बोलना था फ्रेंड्स, किसी को भी अगर मेरा हाथ का खाना खाने मन है तो यू आर वेलकम इन आवर रूम, बट फर्स्ट यू सब्सक्राइब आवर चैनल, उसके बाद में आप बिंदास आके खाना खा के बैठ सकते हो। एंड और एक अपडेट देना था फ्रेंड्स, हम लोग का एक नया कुकिंग चैनल लॉन्च होने वाला है, ये चैनल जो आपका 900 एंड समथिंग में सब्सक्राइबर है, उसका जब 1K हो जाएगा, जिस दिन 1K होगा नेक्स्ट डे में वो चैनल को भी लॉन्च कर देगा। सो गाइस, किस किस को लगता है कि हाँ कुकिंग चैनल भी एक अलग से होना है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। एंड चलो अभी जाते हैं कुकिंग करने के लिए, हम लोग का कंटेनर कहाँ है, कहाँ कंटेनर मिल गया, यहाँ पे है हम लोग का कंटेनर, हम लोग कंटेनर यहाँ पे मिल गया है। सो अभी जाते हैं, बट वो स्टैंड जो लेने के लिए भूल गया था, दिस वन। ओके गाइस, आप लोग बना लीजिए। ओके फ्रेंड्स, वी स्टार्ट आवर पनीर रेसिपी, फर्स्ट वी टेक एम ऑयल,
ओके फ्रेंड्स, हम लोग का पनीर डालने का समय हो गया है, ऑयल लगभग गर्म हो चुका है। अभी थोड़ा थोड़ा रेड हो रहा है फ्रेंड्स, पकने के लिए भी ठीक लग रहा है। और थोड़ा सा रेड होने के लिए देते हैं। आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट ये रेड हो चुका है, देखने के लिए बहुत मजा आ रहा है। चलो देखिए फ्रेंड्स, विदाउट फ्राई करके भी डायरेक्ट आप बना सकते हो, फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे फ्राई करके बनाने में अच्छा लगता है कि उसमें थोड़ा कलर भी आ जाता है और देखने के लिए भी ठीक लगता है। सॉरी फ्रेंड्स, कैमरा ऑन करने के लिए भूल गया था। अभी हम लोग चला गया इसमें गार्लिक, ऑनियन एंड चिल्ली। थोड़ा सा रेड होने देते हैं, उसके बाद टमेटो मिक्स करते हैं। ये रहा फ्रेंड्स हम लोग का ऑनियन, भी हल्का हल्का रेड हो चुका है। तो अभी हम लोग देते हैं इसमें टमाटर। स्वाद अनुसार नमक, गरम मसाला थोड़ा ले लिया फ्रेंड्स, आपको दिखा नहीं पाया। अभी इसमें जाएगा थोड़ा पानी, बस इसको 5 मिनट्स पकने के लिए देते हैं। आफ्टर 5 मिनट्स फ्रेंड्स, ये हो गया हम लोग का ग्रेवी रेडी। इसमें हम लोग डालते हैं पनीर। अभी 2 मिनट और पकने के लिए देते हैं। चेक हम लोग का पनीर कैसा है। वाओ, हो ही गया ये। ये हो गया हम लोग तैयार। अभी गैस बंद कर देते हैं। ये हो गया हम लोग का पनीर रेडी। हम लोग का पनीर हो गया रेडी। ये आप देख सकते हो, ये है हम लोग का पनीर। और ये ऊपर में जो है वो स्पाइसी लिप्स है फ्रेंड्स। जस्ट को तोड़ के लाया और रख दिया, देखने के लिए थोड़ा सुंदर लगेगा इसके लिए। और आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट कीजिएगा।